हम बेचारे संजय शुक्ला जी भी विकास करते तो हम उनको ही वोट देते। पर संजय शुक्ला जी का तो कहना उन्होंने काफी विकास किया। विकास दिखता है ना भाई साहब, क्रिया होता तो दिखता विकास, विकास दिख ही नहीं रहा है जनता को। एक नंबर क्यों नहीं है? एक नंबर है ही नहीं, एक नंबर छः नंबर है, क्यों है? एक नंबर को एक नंबर होना चाहिए ना, कब बनेगी? एक नंबर ही रहेगी। बेरोजगारी तो इतनी नहीं है जितनी कि उसको बताया जाता है। अगर हम शिक्षित हैं और हमारे पास नॉलेज है तो हमें जॉब आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हमारे पास नॉलेज ही नहीं है तो हम जॉब किस तरह से करेंगे? आप जॉब कर ही नहीं सकते। आप किसी भी जगह जाओ, अगर आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आपको कहीं भी नौकरी 3 से 4 दिन में आराम से मिल जाएगी। लेकिन आपके पास कुछ भी शिक्षा ही नहीं है और आप बोलोगे कि मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? संभव ही नहीं है वो आपके लिए। तो विधानसभा एक में जहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस से संजय शुक्ला है, इसे प्रदेश की हॉट सीट माना जाता है। हमारे पास मौजूद हैं यहाँ विधानसभा के कुछ लोग जिनसे हम चर्चा करते हैं कि उनकी पसंद क्या है। किसे बोलते हैं? देखिए भाई साहब, हम तो यहाँ की युवा लोग हैं, इस देश के युवा लोग, और युवा तो यही चाहता है कि देश की तरक्की हो और विधानसभा की तरक्की हो और शहर की तरक्की हो। तो हम यही चाहते हैं कि तरक्की को, विकास को वोट दें। हम भी चाह रहे संजय शुक्ला जी भी विकास करते तो हम उनको ही वोट देते। पर संजय शुक्ला जी का तो कहना उन्होंने काफ़ी विकास किया। विकास दिखता है ना भाई साहब, क्रिया होता तो दिखता विकास, विकास दिख ही नहीं रहा है जनता को। आपको किस तरीके का विकास चाहिए? मतलब आप क्या चाह रहे हैं जो आपके विधायक ने आपके लिए नहीं किया? हम ये चाह रहे हैं कि जैसा आज विकास इंदौर में, इंदौर के जो विधानसभा विकास हुआ है, जो 4 नंबर में विकास हुआ है, जो 2 नंबर विधानसभा विकास हुआ है, जो 3 नंबर में विधानसभा विकास हुआ है, ऐसा विकास एक नंबर क्यों नहीं है? एक नंबर है ही नहीं, एक नंबर 6 नंबर है, क्यों है? एक नंबर को एक नंबर होना चाहिए ना, कब बनेगी? एक नंबर ही रहेगी। आप क्या चाहते हैं, आपकी विधानसभा में क्या कार्य होने चाहिए? चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को विकास, मतलब यहाँ का विधानसभा विधायक बनाया जाए जो विकास करे, विकास की गंगा बहाए यहाँ पर। भले वो कांग्रेस का भी हो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा करके देख लिया हमने। अब हम चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दें। कांग्रेस से भरोसा किया, हमको पहले यही कहा गया था कि विकास होगा, लेकिन नहीं हो। एक नंबर है ही नहीं। आप मेरी पॉइंट को समझो कि एक नंबर विधानसभा, एक नंबर तो है ही नहीं ना, एक तो 6 नंबर है। एक नंबर नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं, और मेरा आपसे बार बार एक ही सवाल है कि आप किस तरीके का विकास चाह रहे हैं? विकास में आप क्या चाह रहे हैं? सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल? एक सड़कें भी चाह रहे हैं, और एक जो गली में जो पाउडर जो बिखरी है वो सबसे बड़ा मुद्दा बागेतपुरा में। अच्छा, स्थिति बहुत खराब हो रही है। मेन बात तो आपके लिए जो मेन मुद्दा है वो यहाँ बिकने वाला नशा है। नशा भी है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो आ जाएगी तो रोड को भी थोड़ा सक्रिय कर देगी। मतलब जैसे नंदा नगर की जैसे रोड, उनकी सक्रिय है, वो उसी हो जाएगी, मतलब एक नंबर में कर देगी। तो रोड़े क्या यहाँ पे सक्रिय हैं? सड़कें तो यहाँ पे जितनी भी आप देखेंगे सब सक्रिय हैं। जैसे आप देखें कि अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन जो हमारा आता है, एक बहुत सेंटर में आता है, इसका विकास कब से हो जाना था, मतलब अभी तक उन्होंने कभी नाम भी नहीं लिया कि हाँ इसको कभी कुछ बड़ा करना चाहिए, ऐसा कुछ प्रोसेस इसके लिए होना चाहिए। अभी है कि इसका काम चल रहा है और ये बड़ा होगा भविष्य में, ज़रूर ये बड़ा होगा। अगर यहाँ से रोड की हम बात करते हैं तो रोड की कनेक्टिविटी अगर परदेशीपुरा से देखें तो काफ़ी सकड़ा रोड है, जो कि कनेक्टिविटी में काफ़ी मुश्किल आती है। ऑब्वियसली कि ये सेंटर है भागीरथपुरा जो है इंदौर का, अगर यहाँ पर विकास होता है तो व्यापार और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके को भी प्रॉफिट होगा। इसके अलावा और भी लोगों को यहाँ से प्रॉफिट होगा अगर यहाँ पर ट्रेंड्स वगैरह आती हैं या कुछ विकास होते हैं यहाँ पर। सबसे मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पर जो नशाखोरी जो है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो अब ख़त्म होनी चाहिए। कोई सी भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो नशाखोरी के लिए कैलाश जी का भी एक बयान सामने आया था कि अगर वो विधायक बनते हैं तो वो यहाँ से नशे को पूर्ण रूप से ख़त्म करेंगे। उसी पे हम लोग तो उसी को आप भरोसा करके आप उन्हें वोट करना चाहते हैं। बराबर है, बराबर। क्योंकि नशा युवा आदि अपने देश का नशे में जाएगा तो फिर अपना देश कहाँ जाएगा? हम तो मतलब इतने सात्विक और शुद्ध लोग हैं कि हम तो मतलब 1% भी किसी प्रकार का नशा नहीं करते। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है आने वाले चुनाव के लिए और अभी भी। कांग्रेस के पास मुद्दा एक ही, और आप युवा वर्ग हैं तो आपको क्या लगता है, बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बेरोजगारी तो
बेरोजगारी तो इतनी नहीं है जितनी कि उसको बताया जाता है। अगर हम शिक्षित हैं और हमारे पास नॉलेज है तो हमें जॉब आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हमारे पास नॉलेज ही नहीं है तो हम जॉब किस तरह से करेंगे? आप जॉब कर ही नहीं सकते। आप किसी भी जगह जाओ, अगर आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आपको कहीं भी नौकरी 3 से 4 दिन में आराम से मिल जाएगी। लेकिन आपके पास कुछ भी शिक्षा ही नहीं है और आप बोलोगे कि मुझे रोजगार चाहिए रोजगार चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? संभव ही नहीं है वो आपके लिए। तो आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी होगा। एक सर्वे को लेकर, एक सर्वे अगर आप करें पूरे इंदौर में या कहीं भी, ऑनली इंदौर में नहीं, आप किसी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी कंपनी में आप वहाँ पे जाके पूछेंगे कि यहाँ पे वर्करों की ज़रूरत है, तो बोलेंगे हाँ है, पर नहीं मिल रहा है। मैं भी क्योंकि बिजनेस में हूँ, मुझे पता है हमारे पास काम की कमी नहीं, करने वालों की कमी है। अच्छा, किस चीज़ का व्यापार है आपका? मेरा फर्नीचर का है। फर्नीचर का। और व्यापार की क्या स्थिति है, महंगाई का कितना असर है? व्यापार तो ऐसा है कि महंगाई का असर होता है ऑब्वियसली, पर मुझे नहीं लगता कि महंगाई का इतना कोई असर है। अगर महंगाई बढ़ी है तो अर्निंग भी बढ़ी है। आप पहले के समय की बात करें तो पहले इतनी अर्निंग नहीं थी, कम अर्निंग थी, सैलरी कम हुआ करती थी। अब आप अगर सैलरी पर्सन की अगर बात करें तो 15,000-20,000 से कम की कहीं पर सैलरी नहीं होगी किसी ऑफिस बॉय की भी। पहले वही ऑफिस बॉय 5,000-6,000 में जॉब करता था। तो अब अगर अर्निंग की या महंगाई की बात करें, अगर महंगाई बढ़ी है तो प्रॉफिट भी बढ़े, वो बैलेंस होता है। वो एक 2014 में 3.5 करोड़ लोग टैक्स पेयर थे, आज 8.5 करोड़ हो गए, तो कैसे हो गए? कमाई हुई तभी तो टैक्स भर रहे हैं लोग, तो कैसे भरते हैं आप बताइए? टैक्स भरना और कमाई का बढ़ना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, और बेरोजगारी का आकलन उस हिसाब से नहीं किया जाता है कि इतने लोग टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। नहीं, बनी सी बात, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो टैक्स चोरी भी करते हैं, आप आए दिन खबरें देखते होंगे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि एक नंबर की तरह रहे, एक नंबर ऐसा नहीं रहे यार। एक नंबर में कुछ भी, मतलब यहाँ की जनता से आप पूछोगे ना तो वो तो यही चाहती है कि यहाँ स्थायी मुद्दे क्या है। एक जैसा आपने बताया कि नशा एक मेन मुद्दा है, एजुकेशन में यहाँ स्कूल्स हैं नहीं है क्या? स्कूल्स हैं लेकिन ऐसे स्कूल नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, मतलब अच्छे स्कूल नहीं है और इतना ध्यान नहीं है उस पर। हाँ, अच्छा स्कूल एक ही था बस, दीपे स्कूल, वो भी थोड़ा ख़त्म हो गया। अच्छा, नाम मिटी गया। स्कूल है वो भी काफ़ी अंदर है और वहाँ का भी माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ पर